ायमेटिक की बात हो रही थी कि वो ड्रग्स जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन की तरह हमारे पास एक्शन करते हैं उनकी बात हो रही थी राइट तो अभी हम जाते हैं कोलिनोमायमेटिक या एगोनिस्टिक ड्रग्स जो हमारे पास एक्ट करते हैं हर उस ड्रग्स का नाम कोलिनोमायमेटिक ड्रग्स है जो हमारे पास कोलिन की तरह एक्ट करता है तो इसके साथ साथ तो अभी मैं आपको बताता चला कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाइक कार्बिकोल कार्बिकोल को, को हम पढ़ चुके हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में बेथेनिकोल को हम पढ़ चुके हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में बथेनिकोल को हम पढ़ चुके हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में हम मेथेनिकोल को हम पढ़ चुके हैं तो ये सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी ही तकरीबन पढ़ चुके हैं तो अभी क्या करना है अभी हमें पता है कि कार्बिकोल एक कारबी सी से आता है कारबी सी से मतलब ये कार्बन कापी है किसकी ये कार्बन कॉपी है एसिटाइल कोलिन की इट इज़ द कार्बन कॉपी ऑफ वाटर एसिटाइल कोलिन ये एसिटाइल कोलिन की कार्बन कॉपी है और साथ साथ ये याद रहे कि कार्बिकोल हमारे साथ एसीटाइल कोरस्ट्रेस से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। स्टेनोकुलिस ये हमारे पास डिस्ट्राई नहीं होता है और उसके साथ दूसरा जो ड्रग्स है वो बिटेनिकोल है बिटेनिकोल हम बता चुके हैं ये बिटेनिकोल आगे किन रिसेप्टर पर काम करता है ये एक रिसेप्टर पर काम करता है उसका नाम है एम थ्री रिसेप्टर्स अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि M1 वन रिसेप्टर कौन सी रिसेप्टर है M2 टू रिसेप्टर कौन सी हैं एम थ्री रिसेप्टर कौन से, कौन से और कोलिनर्जिक जो ये न्यूरॉन्स, ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी जो हो रही है ये कैसे परफॉर्म होती है ये M3 थ्री रिसेप्टर पर एक्ट करता है जो हमारे पास मोस्ट प्रॉबली जितने भी स्मूथ मसल हैं उनमें मौजूद लाइक ब्लेडर लाइक जी आई टी जो हमारे पास नॉर्मल मोमेंट करता है बी फॉर बिठेनिकोल बी फॉर ब्लेडर एंड बी फॉर बॉल मैं बता चुका हूँ पहली बारी पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में मिथेनिकोल नाम से ही जाहिर है एम फॉर मिथेनिकोल ये हमारे पास कहाँ पर ये हमारे पास मस्कुरनिक रिसेप्टर पर एक्ट करता है कहाँ पर मस्कुरिनिक रिसेप्टर पर यह हमारे पास एक्ट करता है क्या मिथेनिकोल बिथेनिकोल हो गया खारबिकोल हो गया और मिथेनिकोल ये सारा हमारे पास एक्ट करते हैं तो अभी अभी जो रिसेप्टर है एम रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर वो भी हम डिटेल से इस लेक्चर में पढ़ेंगे हमें पता होना चाहिए कि रिसेप्टर बेसिकली जो जिन पे हमारे पास ये ड्रग्स एक्ट करते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं फर्स्ट रिसेप्टर हमारे पास जो है उसका नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर पहला जो रिसेप्टर है वो कौन से रिसेप्टर है फर्स्ट रिसेप्टर इज़ निकोटिनिक रिसेप्टर और दूसरा जो रिसेप्टर है उसका नाम है क्या मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर पहला हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर है और दूसरा हमारे पास मस्क्यूरिनिक पहला हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर है और दूसरा हमारे पास हाँ मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर की फर्दर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो हमारे पास दो आते हैं इसकी टाइप्स में निकोटिनिक न्यूरोनल एन एन और दूसरी है निकोटिनिक मस्कुलर एन एम निकोटिनिक न्यूरोनल नाम से ही जाहिर है ये ऐसी रिसेप्टर हैं जो न्यूरोनल एक्टिविटी के साथ मेंटेन हो जो हमारे पास सीएनएस में मौजूद हो जो हमारे पास गेंगलिया में मौजूद हो जो यहाँ पर मौजूद है वो निकोटेनिक न्यूरोनल है और जो मसल्स पर अटैच हों रिसेप्टर हों उसको निकोटेनिक मसल्स कहाँ पर होते हैं ये ये हमारे पास मसल्स में मौजूद मस्कुरिनिक रिसेप्टर की मैं अगर बात करूँ तो मस्कुरिनिक रिसेप्टर की फ़र्दर हमने क्लासीफिकेशन की है एम में एम में एम में एम में एंड द लास्ट वन इज़ एम में तो ये हमारे पास M5 तक मस्कुरिक रिसेप्टर है और हर रिसेप्टर हमारे पास हर जगह पर अपना अपना रिसेप्टर काम कर रहा है तो अभी यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें स्टिमुलेटरी है कौन सा इसमें इन्हेबेटरी है देखें ये अप डाउन है ये अप, 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 अप जो है आप ऐसे समझें कि ये स्टिमुलेंट है जितने भी आप हैं ये स्टिमुलेंट हैं दिस वन दिस वन एंड दिस वन ये लोअर जो जितने भी हैं ये आप समझें कि दीज आर वर्ट दीज आर इनहेबिटरी तो ऊपर से मैं स्टार्ट करता हूं ऊपर से हुआ M1, वन एम वन स्टिमुलेटरी एम टू इनहेबिटरी एम थ्री स्टेमरी एम फोर इनहेबिटरी एंड लास्ट वन इज एम फाइव स्टेम तो मतलब है वन थ्री फाइव एक तीन पाँच हमारे पास क्या है स्टिमुलेट्री हैं और टू और फोर हमारे पास इनहिबिटरी है अभी एम वन रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं एम टू रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं एम थ्री कहाँ होते हैं और एम फोर एंड एम फाइव कहाँ होते हैं वो हम डिटेल से पढ़ते हैं आपको इतना पता होना चाहिए कि ये रिसेप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है एम वन की एम टू की एम थ्री एंड एम फोर की एम वन की मैं अगर बात करूँ कौन सा रिसेप्टर? एम वन M1 एम रिसेप्टर. वन M1 रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर है जो हमारे पास मौजूद है कहाँ पर मोस्ट प्रॉबली हमारे पास मौजूद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गेंगलिया जो है यहाँ पर एम रिसेप्टर पाया जाता है और याद रहे कि निकोटिनिक की जो रिसेप्टर हैं ये वाले टाइप वहाँ पर बी एन एन भी पाया जाता है लेकिन उसके साथ हमारे पास एम वन भी पाया जाता है लेकिन इसका रिएक्शन इस एम वन का एक्शन ये क्या है इसका एक्शन इज इस वीकर देन एक्शन इज़ वीकर देन एन 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 से इसका एक्शन वीकर है एम वन रिसेप्टर का एक्शन एन एन से क्या है वीकर है तो ये एम वन का एक्शन हो गया नेक्स्ट जो है एम वन तो मैंने बता दिया और जो दूसरा जो है हमारे पास वो है एम टू अभी एम टू कहाँ पर पाया जाता है एम वन हो गया जो हमारे बस सेंट्रल नर्विस सिस्टम और किंगलिया में होता है एम टू की बात करें तो ये मोस्ट पॉबली आपको कहाँ मिलेगा ये आपको हर्ट पर मिलेगा एम टू एम वन क्या था एम वन था हाँ एम टू क्या है एम टू हमारे पास इनहिबिटरी है तो ये कहाँ पर पाया जाता है हर्ट पे पाया जाता है और ये क्या है इनहिबिटरी है तो याद रहे याद रहे अगर जब नॉर्मल पर्सन बाबा जी ये बाबा जी है ये बाबा जी नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल का मतलब है कि अब नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है नॉर्मल है नॉर्मल इसकी ब्रीथिंग चल रही है नॉर्मल इसकी सर्कुलेशन चल रही है नॉर्मल इसका पल्स चल रहा है तो ये नॉर्मल सिचुएशन में बाबा जी जो है इसकी M2, इसके एम टू इसके ऊपर हार्ट पर एम टू अटैच है तो पैरासि सिंपथीटिक नर्वस नॉर्मल कौन सी सिचुएशन है पैरासिम्पेथिटिक रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग है वो इसको एक्टिवेट करेगी इसको एक्टिवेट जब करेगी तो एम टू हमारे पास क्या करेगा इनहिबिट करेगा किसको कार्डिक सेल को कार्डिक सेल को इनहेबिट करेगा और उसका हार्ट रेट हमारे पास नॉर्मल मेंटेन रखेगा ज़्यादा होने से बचाएगा तो एम टू का आपका ये फ़ायदा है ये गिफ्ट है कि ये हमारे पास हार्ट को नॉर्मल रखता है इनहेबिट करता है एम वन हो गया सी एन एस गेंगलिया में एम टू हो गया एंड द लास्ट वन इज एम थ्री अभी देखते जाए एम थ्री क्या करता है? एम थ्री हमारे पास जितने भी स्मूथ मसल हैं जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उसमें एम थ्री पाया जाता है एम थ्री हमारे पास क्या था स्टिमुलेटरी था तो एम हमारे पास स्मूथ मसल कौन कौन से गिनते जाओ आपके ब्रोंखाए में स्मूथ मसल है वहाँ पर स्टिमुलेट करेगा और उसे स्पेजम करेगा यहाँ पर साथ यूटेस में स्मूथ मसल है उसकी कंट्रैक्शन करेगा स्टॉमिक स्मूथ मसल है स्टॉमिक के मसल को कंस्ट्रेक्शन करेगा इसके साथ ब्लेडर ब्लेडर की बात की जाए तो यूरेरी ब्लेडर के स्मूथ डिट्रोसल मसल हैं उनको एक्टिवेट करेगा डिफरेंट ग्लैंड जितने भी हैं उनमें ये पाया जाता है और इसके साथ साथ ग्लैंड्स के साथ साथ एंडोथेलियल सेल्स में भी हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स में भी हमारे पास एम थ्री पाया जाता है स्मूथ मसल हुए एंडोथेलियल सेल तो इन सब पर ये एम थ्री पाया जाता है एम टू हमारे पास हार्ट पे होता है और इन्हेबिट करता है हार्ट के फंक्शन को एम वन हमारे पास सी एन एस की गेंगलिया पर होता है और वहाँ पर स्टिमुलेट तो एम वन स्टिमुलेट करते हैं एम थ्री स्टिमुलेट करते हैं तो उससे क्या करेगा कंट्रैक्शन ऑफ दिस सेल्स की करेगा कंट्रेक्शन करेगा और रिमेनिंग रहेंगे एम फोर और फा एम फोर और फा की अगर बात की जाए ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एम फाइव स्टिमुलेटरी हैं एम फोर जो है हमारे पास इनहेबिटरी है तो ये इस किस्म की सीनारी है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एंड द लास्ट वन इज़ एम फाइव तो ये कम्प्लीटली मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी हमारे पास एसिटाइल कोलिंग हैं एसीटाइल कोलिन की मैं अगर बात करूँ तो एसीटाइल कोलिन जो हमारे पास जो सिक्रिट होता है वो सीधा और सीधा जब एक्सेस एक्सेस फॉर्म में होता है तो वो एक्सेस फॉर्म में होने के साथ नर्व टर्मिनल से पहले तो वो ये एक्शन को एक्टिवेट करेगा एम को एम को एम थ्री एंड एम को लेकिन अगर वो नर्व टर्मिनल में हमारे पास ये एसीटाइल कोलिन अगर आपकी नर्व टर्मिनल में क्या है ज़्यादा है तो जो ट्रू एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज है उसके ज़रिए से इसकी क्या होगी ब्रेक डाउन हो जाएगी इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी ट्रू एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज के ज़रिए से कभी कभार कुछ ऐसी कुछ कोलीन ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर हमारे पास ट्रू एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज से ब्रेक डाउन नहीं होती है उनकी हमारे पास सीडो सीडो कोलिनस्ट्रेज जो है या उसे हम क्या कहते हैं ब्यूटराइल कोलिनस्ट्रियज जो हैं उनकी वजह से हमारे पास उनकी क्या हो जाती है ब्रेक डाउन हो जाती है तो इस तरह इस तरह एसिटाकोलिन हमारे पास मेंटेन रहता है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पैरासम्पेथेटिक रिस्पॉन्स हमारे पास जितने भी लोकलाइज रिसेप्टर हैं इनको स्टिमुलेट कर रहे हैं इनको स्टिमुलेट करने से हर अपना अपना रिसेप्टर अपना अपना काम कर रहा है कुछ एक्टिवेट हो रहा है और कुछ इनहबिट हो रहा है अभी एसिटाइल एसीटाइलकोलिन आया उसने एक्टिवेट किया रिसेप्टर्स को और रिसेप्टर्स डिफरेंट हैं एम वन एम टू एंड थ्री एंड एम फाइव सारे हैं राइट तो यहाँ पर कौन सा रिस्पॉन्स है यहाँ पर मैं अभी नॉर्मल रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा चल रहा है मैं वो डिस्कस करता हूँ पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है इसमें यह स्टाइल कोलिन रिलीज हुआ और इसने कम्प्लीट बॉडी को कम्प्लीट बॉडी को जो नॉर्मल सिचुएशन है जो बाबा जी आपका नॉर्मल था वो कैसे स्टिमुलेट करता है वो हम पढ़ते हैं कि कैसे ये नॉर्मल आपके शुरू से लेकर हार्ट बीट से लेकर आपकी आई से लेकर आपके यूटरस आपकी जीआईटी आपके मसल्स इनको कैसे मेंटेन करता है और कैसे इन्हें एक्टिवेट रखता है तो कोलिनर्जी की एक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं कि कोल की एक्टिविटी जो नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस में मेंटेन हो रही है ये नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस में कैसे एक्टिवेट होती है और कैसे इसे मेंटेन रखा जाता है राइट तो सबसे पहले मैं आपके दरमिया यहाँ पर हमारा बाबा जी है ये बाबा जी ना हंस है ना रो रहे बाबा जी हमारे पास खड़ा है बाबा जी तो इस बाबा जी पे हमने क्या करना है नॉर्मल पैरासिम्पथिटिक रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करवाना है तो देखें पैरासिम्पथटिक रिस्पॉन्स आपको पता है कि ये रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग फेस है इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये हमारे पास रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग फेस है अभी रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग फेस का मतलब ये है कि पैरासिम्पथिटिक रिस्पॉन्स आई से हम स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद हम उसके ब्रोंकाइल्स पे जाते हैं ब्रोंकियोल्स पे जाते हैं फिर उसके हाथों पे जाते हैं और उसका वेस्कुलर सिस्टम देखते हैं उसके वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ फिर आगे यूरिनरी सिस्टम है वो हम चेक करते हैं तो सारा सिस्टम हम अप्लाई करते हैं अच्छा बाबा जी की आंखों पर बात करी कर बात की जाए तो इसकी आइज़ होती हैं राइट बाबा जी की आँखें तो बाबा जी की आंखों पर आंखों पर एक रिसेप्टर्स पाया जाता है उस रिसेप्टर का नाम है एम थ्री रिसप्टर बाबू जी की आंखों पर एम रिसेप्टर है एम रिसेप्टर में बता चुका हूँ कि एम रिसेप्टर हमारे पास स्टिमुलेंट है देखिए गौर से सुने एक ही लेक्चर सुन ली आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी एम रिसेप्टर में बता चुका हूँ कि एम हमारे पास स्टिमुलेंट रिसेप्टर है अभी जब आंखों पर एम रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा स्टिमुलेशन कास्ट करेगा अच्छा अभी स्टिमुलेशन कैसे कास्ट करेगा ये क्या करेगा ये जब स्टिमुलेट होगा तो इट विल काज कंस्ट्रिक्शन इट विस कास्ट कंस्ट्रिक्शन ऑफ़ प्यूपिल ये हमारे पास प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन कास करेगा ये एम थ्री रिसप्टर जो है बाबा जी की आंखें हैं बाजी की आंखों पर एम थ्री रिसप्टर है और एम थ्री रिसप्टर हमारे पास कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल करेगा कैसे करेगा मैं बताता हूँ हमारे पास यहाँ पर लेंस है लेंस के ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पर एक लेगामेंट अटैच है जिसे हम पढ़ चुके थे उसका नाम है सस्पेंसरी लेगामेंट सस्पेंसरी लिगमेंट के साथ साथ यहाँ पर एक मसल्स है उसका नाम है कौन से मसल यहाँ पर मसल अटैच हैं जिनका नाम है सिल्वरी मसल्स तो ये सिल्वरी मसल क्या करते सिल्वरी मसल के ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद है उसका नाम है M3 रिसेप्टर क्योंकि स्मूथ मसल है स्मूथ मसल पे कौन सा रिसेप्टर होगा एम सिलरी मसल पे एम रिसेप्टर है राइट तो सिलरी मसल क्या होता है नॉर्मल जो है ये हमारे पास इस तरह स्टेन स्टेट में होता है और उसकी वजह से हमारे पास जो लेंस है वो लेंस लेंस जो है वो किस शेप में होती है लेंस जो है वो हमारे पास फ्लैट शेप में होती है नॉर्मली टेंस में अभी जो ये एम थ्री रिसेप्टर यहां पर एक्टिवेट हुआ इसी कोलिन की वजह से और पैरासिपेथेटिक रिस्पॉन्स की वजह से मसल हमारे पास क्या होंगे सेली मसल क्या करेंगे सेली मसल विल गेट कंट्रैक्टेड सेलरी मसल कंट्रैक्ट हुए हैं सैली मसल हमारे पास कंट्रैक्ट हुए ये मैं अभी आपको सिनारी बता रहा हूँ एकोमोडेशन का एम थ्री कंस्ट्रक्शन तो हो गया वहाँ पर यहाँ पर मैं एकोमोडेशन सेली मसल कंट्रैक्ट हुए सैलरी मसल जो ही कंट्रैक्ट हुए तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ये हमारे पास रिलैक्स हो जाएगा सैली मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स सस्पेंसरी लिगामेंट सस्पेंसरी लिगामेंट आपका क्या हो गया रिलैक्स हो गया जो ही सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हुआ जो लेंस का ये शेप था ये कन्वर्ट हो गया किस में दिस इज कन्वर्टेड टू ग्लोब्यूलर शेप तो देखें यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट फॉल हो रहा है लेंस जो था वो स्ट्रेच था यहाँ पर क्या हो रहा है अनस्ट्रेच हो गया जब लेंस अनस्ट्रेच हो गया तो हमारे पास सस्पेंसरी लेगामेंट सिलरी मसल कंट्रैक्ट लेंस अनस्ट्रेच तो इसके बाद इसके बाद हमारे पास क्या होगा इसके बाद क्या होगा कि लेंस कंट सिलरी मसल कंट्रैक्ट सस्पेंसरी लेगामेंट लेगे और ये ग्लोबुलर शेप हो गया ग्लोबुलर शेप होने के साथ ग्लोबुलर शेप होने के साथ हमारे पास क्या हुई एकोमोडेशन हुई डेशन टू नियर विजन जो चीज आपको नियर से नहीं दिख रही थी वो आपको अच्छे तरीके से दिखेगी किस सीन में पैरासम्पैथेटिक रिस्पॉन्स में नॉर्मली आप बैठे हुए बाबा जी बैठा हुआ है इसी नजदीक चीज बहुत अच्छी दिख रही है कौन सा रिस्पॉन्स के थ्रू पैरासिम्पेथिक सेलरी मसल कॉन्ट्रैक्टरी रिलैक्स और लेंस फ्लैट से ग्लूमशेप अनस्ट्रेच के फॉर्म में है तो इसकी वजह से हमारे पास नॉर्मल इस सिचुएशन में नियर विजन क्या होगी नियर विजन हमारे पास मेंटेन हो देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ एसिटाइल कोलिन है अगर ये एसिटाइल कोलिन अगर ज़्यादा हो ज़्यादा हो जाए सेली मसल ओवर कंट्रैक्शन से हमारे पास एक कंडीशन आएगी जिसे हम कहते हैं साइक्लोस्पेजम साइक्लोस्पेजम हो जाएगी साइक्लोसेल से बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन होने की वजह से हमारे पास क्या होगा हमारे पास विल ओखर वट ब्लरिंग ऑफ विजन हमारे पास क्या होगा ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगा भाई वो उस बंदे को दूर नहीं देखेगा ओवर स्टिमुलेशन से ब्लरिंग हो जाएगी नॉर्मल से एकोमोडेशन नियर वाली दिखेंगे और उससे वो दूर वाली चीज़ें दिखेंगे हो गया एकोमोडेशन पावर प्यूबल कंस्ट्रक्शन हो गया अभी उसके बाद इस बाबा जी के ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड मौजूद है उस ग्लैंड का नाम है लेक्रीमल ग्लैंड अभी बाबा जी के हम टर्स को भी मेंटेन करते हैं लक्रीमल ग्लैंड जो है ये ऊपर बाबा जी की लक्रीमल ग्लैंड पे एक रिसेप्टर मैं बता चुका हूँ कि एम थ्री रिसेप्टर पाया जाता है और एम थ्री रिसेप्टर मैं भी बता चुका हूँ कि एम थ्री रिसेप्टर हमारे पास क्या खास करता है हमारे पास एम थ्री रिसेप्टर हमारे पास स्टिमुलेंट है तो एम थ्री रिसेप्टर जो ही एक्टिवेट होगा यहाँ पर इनवोलेंट्रली really जब एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर इट विल खास लक्रीमेशन और ये हमारे पास लेक्रीमेशन और टीयर की स्टिमुलेशन कास कर देगा तो ये कौन से प्रोसेस में हो रहा है ये हमारे पास नॉर्मल नॉर्मल जो पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स है इसमें हो अच्छा ये हो गया आइस ख़त्म हो गई चलो इस बाबा जी के ब्रोंकाए पे आ जाओ बाबा जी के हम ब्रोंकाए पे आ गए और बाबा जी के ब्रोंकाए के अंदर मसल हैं उसका नाम है ब्रोंकियल स्मूथ मसल अच्छा अभी क्या होगा स्मूथ ब्रोंकिल स्मूथ मसल की बात करें मैं स्मूथ मसल का लाफ जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर एक रिसेप्टर मौजूद है उसका नाम है एम थ्री रिसेप्टर एम थ्री रिसेप्टर इसे क्या करेगा एम थ्री रिसेप्टर ब्रोंकल स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करेगा जोई ब्रोकल स्मूथ देखिए कोलिनो मायमेटिक की बात हो रही है जो इस एसिटाइल की एक्टिवेशन कर रहे जोई ब्रोम थ्री रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया और स्टिमुलेट करने के साथ इट विल खास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ये हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज कर देगा लेकिन अगर ये स्टिमुलेशन इस पेशेंट को हो रही जिसको है जिसको ऑलरेडी सी ओ पी डी है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज तो वहाँ पर ब्रोंकोस्पैज़म काज करता है तो इसलिए इसलिए कोलिनोमाइमेटिक इन ओ पी डी सी ओ पी डी इसमें कंडीशन में वो कंट्रा है आपने नहीं देना है और इसके साथ साथ स्मूथ मसल तो हो गए स्मूथ मसल ब्रोंकियल स्मूथ मसल के साथ में हमारे पास म्यूकस म्यूकसंग सेल्स हैं हमारे पास क्या है म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स मौजूद है तो एम थ्री रिसेप्टर जो एक्टिवेट होंगे म्यूकस एस वेल को सिक्रिश करेंगे तो वहां पर हमारे पास इट विल काज वट इट विल काज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस ये हमारे पास म्यूकस की सिक्रीशन कास कर देगा समझ आएगी स्मूथ मसल कर हमारे पास की है? इसने कास कर दी तो यहां तक कहानी का पता चल गया है अभी आगे आते हैं बाबा जी का जो प्यारा सा दिल है उस पर आ जाते हैं अच्छा बाबा जी का दिल है और दिल पे मैं बता चुका हूं हमारे दिल पे कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं हर्ट है हर्ट पे पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी में हार्ट को क्या करना है पैरासिपैथिक एक्टिविटी में हार्ट को आपने स्टिमुलेट नहीं करना हार्ट हार्ट को आपने स्टिमुलेट नहीं करना हार्ट को आपने, आपने इनहिबिट करना है जब हार्ट को आपने नॉर्मली इनहिबिट करना है तो आपने कौन से रिसेप्टर लाने हैं हार्ट पे हार्ट पे एम टू रिसेप्टर लाने तो देखिये बाबा जी के हार्ट पे एम टू रिसप्टर हैं वो क्या हैं इन्हेबिटरी रिसेप्टर हैं हार्ट पे तो हार्ट पे जब इन्हेबिटरी रिसेप्टर हमारे पास स्टिमुलेट होंगे वो क्या करेंगे हार्ट को हमारे पास इन्हेबिट करेंगे इन्हेबिट किस तरह करेंगे हार्ट का जो हार्ट रेट है हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ कर देंगे और उसके साथ साथ उसका पेरीफ्रल रेजिस्टेंस जो है वो भी डिक्रीज कर देंगे रिफर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ किया और हार्ट रेट भी डिक्रीज़ किया किसने एम टू रिसेप्टर ने इसकी वजह से एम टू रिसेप्टर की वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ तो नॉर्मली नॉर्मली एम टू रिसेप्टर हर्ट पर क्या कर रहे हैं नेगेटिव आयोनोट्राफिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं आयोट्राफिक का मतलब ये है कि उसका हर्ट रेट कम कम कर रहे हैं सॉरी सॉरी आयोनोट्राफिक नहीं क्रोनोट्राफिक हर्ट रेट क्रोनोट्राफिक हो रही है तो हर्ट रेट डिक्रीज़ कर रहे हैं उसके साथ नेगेटिव कंडक्शन कर रहे हैं नेगेटिव ड्रामोट्राफिक जिसे हम कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव आयोनोट्राफिक जिसे हम कहते हैं माई स्ट्रेचिंग जिसे हम कहते हैं वो वो भी नेगेटिव कर, हो रही है, किस सिचुएशन में सिचुएशन अच्छा देखें बाबा जी का हार्ट भी हो गया वो भी ख़त्म नॉर्मल है ब्रोंकल सिक्रेशन की बात करें ब्रोंक्यू कंस्ट्रिक्शन हो रही है नॉर्मल सिचुएशन में प्यूपल की बात करें प्यूपल कंस्ट्रिक्टेड है एक नियर विजन के लिए हैं और इसके साथ हमारे पास बाबा जी का जो वेस्कुलर सिस्टम है उसे भी नहीं छोड़ना हमने नेक्स्ट सिस्टम जो है बाबा जी का वो कौन सा सिस्टम है वो हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम है। चलो देखिए अभी वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं वेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास वेसल्स में हमारे पास एक सेल्स हैं उसका नाम है एंडोथेलियल सेल अभी ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इसमें क्या है एंडोथेलियल सेल में बता चुका था कि इस पे एम रिसेप्टर हैं एम थ्री रिसेप्टर सेल पे एक्टिवेट हुए जो ही एम थ्री रिसेप्टर एक्टिवेट हुए वहां पर एक इंजाइम एक्टिवेट होगा जिसे कहते हैं ना, सिंथेटेस। अभी नाइट्रोऑक्साइड सिंथेटेस क्या करेगा यह ऐसा करेगा कि यह अर्जिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें अर्जिन को कन्वर्ट कर देगा सिट्रोलिन में और वहाँ से इस कन्वर्जन से हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड आगे जाएगा स्मूथ मसल्स को और ये एंडोथेलियल से स्मूथ मसल को गया वहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट करेगा जी को किस में साइक्लिक जी में जो ये साइक्लिक जीएमपी में इसने कन्वर्ट किया दिस साइक्लिक एम विल विलेट स्मूथ मसल एंड इट विल रीड्स टू ये हमारे पास वेजो कास कर देगा और उसकी वजह से वेजो डायलेशन की वजह से हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर एंड इट विल डिक्रीज हाइपो टेंशन तो ये सिचुएशन सारी बन जाएंगी हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम एंड सिस्टम में सेट्रोलिन से, से और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ स्मूथ जीटीपी से मसल से जीटीपी टी जीएमपी जी और वेजिटोलेशन डिक्रीज प्रेशर और हाइपोटेंशन काज हो गए तो दिस इज सिचुएशन ये वेस्कुलर सिस्टम में ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हुई है तो देखें कितने कितने एक्टिवेट हो गए हैं यहाँ पर आपको वेस्कुलर सिस्टम भी एक्टिवेट है यहाँ पर आपका ब्रोंकुलर सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया यहाँ पर आपका कार्डिक सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया हार्ट सिस्टम इसके साथ साथ आपकी मैं बताऊँ ऑप्टिक जो हमारे पास ऑप्टोलमिक सिस्टम जो है वो भी एक्टिवेट हो गया जिसमें हमारे पास लेक्रीमल सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो गया है नॉर्मल पे अभी हम आगे जो नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं कि आगे इस बाबा जी का मायदा जो है पिट पेटू पे इसका छोटा सा जो पेटू है इस पर क्या हुआ है इसका जो यूरिनरी ब्लेडर है उस पर क्या हुआ है ये सारा सिस्टम आप पढ़ते हैं कि आगे इसके पेटू पे और यूरिनरी ब्लेडर पे क्या हुआ है अच्छा बाबू को पेटू पे क्या होता है कि जीएटी पे हमारे पास एहतराम से बात करेंगे इज़्ज़त से बाबा जी है हमारा तो बाबा जी हमारा बहुत कीमती बाबा जी है उस पर इसके पेटू पे एम थ्री रिसेप्टर है देखिए पेटू पे कौन से है पेटी पे कौन से मसल्स हैं स्मूथ मसल हैं तो जहां पर भी स्मूथ का लफ्ज है तो आप एम थ्री चिपकाते रहो एम थ्री रिसेप्टर है एम थ्री उसके जी आई टी के स्मूथ मसल पे है और जी आई टी के स्मूथ मसल पे जो ही जी आई टी स्मूथ मसल पे ये एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे इट विल काज स्मूथ मसल स्टिमुलेटरी है ना ये स्टिमुलेटरी है ना स्मूथ मसल कंट्रैक्शन स्मूथ मसल सेल की कंट्रैक्शन करेंगे और इसके साथ साथ याद रखें तो स्मूथ मसल के हैं और इसके साथ साथ स्मूथ मसल के साथ हमारे पास जो ग्लैंड हैं उधर भी स्मूथ मसल हैं वो एक्टिवेट हुए उन ग्लैंड से क्या होगी सिक्रीशन काज होगी म्यूकस सिक्रीशन चाहिए यहाँ एक्टिवेशन हो रही है यहाँ पर म्यूकस सिक्रीशन हो रही है और इसके साथ हमारे पास फिंक्टर जो है जो हमारे पास इस जी आई टी के जो स्फिंक्टर्स हैं वहाँ पर वहाँ पर स्मूथ मसल नहीं है वहाँ पर हमारे पास एम टू है। एम टू रिसेप्टर यहाँ पर एक्टिवेट होंगे और एम टू हमारे पास ये आगे ये ये इस 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 स्फिंक्टर को इनहिबिट करेगा जो ही ये स्पिंगटर इनहिबिट हुआ मेन स्फिंक्टर क्या हुआ रिलैक्स हुआ जब स्पिंगटर रिलैक्स हुआ तो नॉर्मल जो मोमेंट है उसकी वजह से आगे हमारे पास मोमेंट से फूड ट्रेवल करेगा और फूड पास हो तो बाबा जी का मैदा नॉर्मल है सही तो देखिए एम थ्री रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ एम थ्री से मसल्स एक्टिवेट हुए उसे कंट्रैक्शन हुई और जो हमारे पास स्पिंक्टर है एम टू रिसेप्टर वहाँ पर एक्टिवेट हुए और उसने वहाँ पर क्या किया स्पिंक्टर को इनहिबिट किया और रिलैक्स किया वहाँ से आगे नॉर्मल प्रोसेस अच्छा ये एनल स्पिंक्टर की बात हो रही है इसके बाद यहाँ पर स्टिमुलेट्री मसल्स हुए और इनहिबिटरी यहाँ से हुए नंबर फाइव नंबर सिक्स सिक्स की बात करूं तो यहां पर अगला सिस्टम है बाबा जी का यूरेंद्री ब्लेडर सिस्टम यूरिनी ब्लेडर सिस्टम भी सेम कहानी है यूरि ब्लेडर सिस्टम में क्या है यूरिनी ब्लेडर सिस्टम में हमारे पास एम थ्री रिसप्टर हैं कहां पर स्मूथ मसल में स्मूथ मसल में आपके एम थ्री रिसप्टर है और इसके साथ हमारे पास फिंकटर में जो यूरेंद्री स्फिंक्टर है उसके साथ हमारे पास एम टू रिसप्टर है एक जगह पर एम थ्री है एक जगह पर एम टू हैं तो एम टू रिसप्टर को क्या कर दिया एम टू रिसेप्टर ने फिंग को इनहिबिट किया उस इनहिबिट के साथ रिलैक्स हुआ और एम थ्री रिसेप्टर में हमारे पास स्मूथ मसल में डेट्रोजल मसल जो है, है वो एक्टिवेट हुए और एक्टिवेट होने के साथ हमारे पास मैक्शन नॉर्मल मेंटेन हो गई तो ये कहानी है कि सारे प्रोसेस में किस तरीके से हमारे पास कोलिनोमायमेटिक सिस्टम कैसे एक्टिवेट तो अभी देखें जितने भी ड्रग्स हैं कोलिनोमाइमेटिक कोलिनोमायमेटिक जितने भी ड्रग्स हैं हमारे पास ये एक्शन करते हैं सिटाइल कोलिन एक्शन करते हैं जो पैरासम्पेथेटिक है मैं अब एक छोटा सा सी बताता हूँ देखते जाएं ये भी सीन है कि बाबा जी नहीं है यहाँ पर भी एक जवान सा बच्चा है बच्चा है उसे आपने क्या कर दिया उसे आपने कोलिनोमायोमेटिक ड्रग्स दे दिया है कोई भी ड्रग है कोलिनोमाइकेटिक है मस्क्यूरिक रिसेप्टर पर जो एक्टिवेट करे कोलिनोमायोमेटिक ड्रग आपने दे दिया है इंजेक्ट कर दिया है न्यू है पैराडोज स्टिगमीन है फाइस है कोई भी है आपने उसे दे दिया अगर उस ड्रग्स की ओवर हो गया अगर वो ड्रग हमारे पास ओवर हो गई तब क्या हो देखते जाए, ओवर हो गए बाबूजी के प्यूपिल जो है वो क्या होंगे प्यूपिल बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे प्यूपिल ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड हो गए क्या हो जाएगी मायोसिस हो जाएगी नंबर फर्स्ट वन ट्यूबल के साथ यहाँ पर लेक्रीमल ग्रैंड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ से लेक्रीमेशन स्टार्ट हो जाएगी राइट उसके बाद डायरेक्ट अगर ओवर स्टेमुलेशन से हैं लेक्रीमेशन साथ है और यहाँ पर आपका एकोमोडेशन रिफ्लेक्स एकोमोडेशन एकमोडेशन रिफ्लेक्स जो है वो ओवर मेंटेन हो जाएगा नियर विजन के लिए जिसकी वजह से नियर विजन के लिए जिसकी वजह से वो परमेंट उससे ब्लरिंग होगी राइट नंबर सेवन नंबर थर्ड उससे यहाँ पर ब्रोंकल ब्रोंक्यूल में ओवर स्टिमुलेशन की वजह से आपके पास ब्रोंकोस्पेजम हो जाएगा ब्रोंकोस्पेजम होगा स्मूथ मसल एक्टिवेट है और सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी सही यहाँ पर जी ए टी की मैं बात करूँ जी ए टी हमारे पास मोमेंट ज़्यादा हो जाएगी मोटिलिटी जी ए टी की ज़्यादा हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी पेरेस्टिलइसिस की बात की जाए पेरेस्टिलइसिस हमारे पास क्या हो

देखें वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज बैड एक्सेस ऑफ एवरी तो हर चीज हर डोज आपने क्या करना है हर डोज आपने एक ख़ास वैल्यू में आपने इंजेक्ट करना है अगर वो ओवर हो रहा है कोलिनो ड्रग्स अगर ओवर हो रहे हैं तो उससे हमारे पास एडवर्स रिएक्शन का सीनारी भी याद रखना है नॉर्मल तो ये है ऐसे परफॉर्म करेगा लेकिन एडवर्स रिएक्शन में हमारे पास उसका इफेक्ट बहुत ख़तरनाक हो जाएगा तो इसे आगे अभी हम देखते हैं सिम्पेथोमायोमेटिक तो ड्रग्स के बारे में गंग्लियनिक ब्लॉकर बारे हर चीज़ वो आगे नेक्स्ट चैप्चर में हम लेक्चर में देखते हैं